तो गाइस मम्मी ड्यूटी जा रही है, मम्मी बाय बाय। तो मैं आ गया हूँ एटीएम से पैसे निकाल के। मम्मी को पैसे दे दिए हैं, मम्मी चली गई हैं और भाई साहब बैठे हैं चाय पीने हैं। बस अब हम भी थोड़ी देर में थोड़ा सा घर का काम करके चलते हैं अपने ऑफिस। डोरा तुम्हें क्या चाहिए? डोरा वैसे देख रही, घर मम्मी गई ना? दूध तो मम्मी गई, डोरा मम्मी गई, तुम्हें दूध डाल दिया ना हमने, तुम दूध पी लो जाके। चलो जाओ, आ जाओ, यहीं बैठेंगे हम भी, चाय पियेंगे नोनी। चीयर्स। देख रहे कुत्ते को? दिस इज माई कैब ब्रो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? डू यू वॉन्ट इट? कुछ चाहिए इसको? डू यू वॉन्ट इट? हड्डियां खत्म हो चुकी, आज मैं तेरे लिए बोन्स लाऊंगा पक्का। ऐसे मत कर डोरा, इसकी यही हरकतें होती है। देखो क्या चाहिए तुम्हें? सुबह सुबह क्यों मैं नुकसान करने पे तुली हुई हो तुम? इकलौती कैब बची है मेरी, ये तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा मैं। मिचोनी मिचोनी मि बाबू, तुम्हें दूसरी कैब दिला दूंगा। ऐसे मत करो ना मेरे साथ अत्याचार, खराब हो गई ना ये, तो मारूंगा चांटे चांटे तेरे। फिर ऐसे दो तो मैं दूसरी ला दूंगा, दूसरी ला दूंगा। अरे ये बड़ा अजीब दोस्त है तुम्हारी, देख रहो ऐसे कुछ चाहिए मेरे से? नहीं, एक चांटे से काम चल जाएगा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चीजी ले आऊं? चीजी खाओगी भाई? डोरा के लिए चीजी ले आई हो? हाँ वही लिया। झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। ये मेरी कैप है, मैं आपको दूसरी ला दूंगा। नहीं दूसरी ला दूंगा ना यार, लालची कुत्ता। तो ठीक है गाइस, मैं रेडी हो गया हूँ, अब निकलता हूँ ऑफिस के लिए, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ बस। डोरा मेरी तरफ देख रही है कि कहाँ जा रहा है ये बंदा। मैं जाऊँ नहीं है, मैं ऑफिस नहीं जाऊँ। तुम भाई के पास रहना ठीक है, मैं भी आ जाऊँगा, मैं लंच में आ जाऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है? या चीज़ देखते रहिए मेरे को, मैं फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं घर से। ब्रेकफास्ट करते करते हम देख रहे हैं नानू का वैष्णो देवी वाला व्लॉग, और आज नानू का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे भाई, गॉड ब्लेस यू। ये वो नहीं करना भी, मैंने कर दिया, कर दिया ऑनलाइन वाले ना, हम यूट्यूब वाले। नोनी भाई को विश कर दो, ऐसे हैप्पी बर्थडे भाई। तो चलो ठीक है, ब्लॉग देख लेते हैं, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं घर से फटाफट से। तो गाइस ऑफिस आ गए हैं, आधा स्टाफ आज छुट्टी मार गया क्योंकि आज है करवा चौथ का फास्ट। तो जो दो मैम आती हैं हमारे ऑफिस में, दोनों मैरिड हैं, वो दोनों छुट्टी मार ली उन्होंने, और एक अपना चंदू स्टाफ से वो भी गायब है आज, और हमारा जो तरुण बेदी है वो भी आज हमारे हाफ डे मार गए हैं लगभग। उन्होंने बोला मैं लेट आऊँगा, तो गिनती के हम दो तीन लोग आ गए हैं, चौथे साजिद भी आ गए हैं। इनका नाम है वंश, जो अभी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, बीच में गाने बजा बजा के। भाई को कोई नहीं, माफ कर देना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो ठीक है। चलो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, बाकी आज फेस्टिवल है तो देखते हैं, विजिट वगैरह आएगी तो विजिट पे चलेंगे, और कोई अगर नई इन्वेंट्री आएगी तो मैं आपको नई इन्वेंट्री दिखा के लाऊंगा। और फिर फ्लैट वगैरह कोई पसंद आया तो बता देना यार, चाहिए हो तो, है ना? मतलब दिवाली आ रही है, नए घर वगैरह अगर लेने का कोई प्लान है तो बता देना, मिलते हैं चलो थोड़ी देर में। तो गाइस भूख लग रही है, हम लाए हैं वेज बिरयानी और मैं खा रहे हैं वेज बिरयानी, ये डकार कहाँ से आ रही है। तो चलो खा लेते हैं भाई, लंच कर लेते हैं, अब तो खाई भी उसके बाद अगर भूख तो लगेगी यार दोबारा, थोड़ा सा इससे है कि थोड़ी भूख शांत हो जाएगी, क्योंकि हमारा फास्ट थोड़ी आज तूने रखा है क्या? अच्छा भाई ये क्या नाम है तुम्हारा? अमन। अमन इसलिए नहीं खा रहा शायद, इसका फास्ट है, तूने फास्ट रखा इसलिए? अरे हाँ यार, किसने फास्ट रखा है मुझे लग रहा है। बस भाई पता नहीं किस किसने फास्ट रखा है, हमारी वाली पता नहीं किसके लिए फास्ट रख रही हुई आज। खैर छोड़ो, लंच कर खा लेते हैं भले, फिर लंच करने भी जा रहा था। तो गाइस जब हम आए हैं मार्केट थोड़ा सामान लेने के लिए, और आप देख सकते हैं आज करवा चौथ का फास्ट है ना लोगों का, तो फेस्टिवल एक तरीके से, तो मार्केट कितनी अच्छी सज रही है आज के दिन। इधर देखो मार्केट कितनी सही लग रही है आज। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ घर, ऑफिस से फ्री हो गया था, लाइट भी बंद कर रही है, किसी ने लाइट भी नहीं जला रखी। मुझे लग रहा है मम्मी और सिमन दोनों सो रहे हैं, डोरा जग रही होगी, देखते हैं कौन गेट खोलेगा।
अंधेरा कायम रहे। सो रहे हो? गेट खोलो। थक गए भाई, थक गए। आज मैडम कॉलेज गई होंगी ना, इसलिए थक गई होंगी। नोनी, मिनोनी कहाँ है? मिनोनी कहाँ कर रही है? मिनोनी के लिए मैं कल आया हूँ, देखो फॉइल लाया हूँ तुम्हारे लिए, इसमें खाना लपेट के ले जाना तुम अपने कॉलेज, ठीक है नोनी? आ जाओ। गजब में आ गया हूँ ना, डोरा बस मेरे को घूम देखती रहेगी, घूरती रहेगी, देखो कैसे। देख रहे हो, मेरे को ही घूरती रहेगी अभी। सारा फैला हुआ ये सिमन का बैग, ये वाला कमरा ना बिल्कुल सेट नहीं है, मैं आ रहा अभी तक नहीं हो पाया। क्या क्या फैला हुआ है पता नहीं। मेरी क्लास शुरू होने वाली है थोड़ी देर के अंदर, थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। इस सामान को कहाँ रखूँ मैं? ये पेन तो मेरे काम आएगा, इरेजर है, ये मेकअप का सामान है। यहाँ पे रख लेता हूँ अपना लैपटॉप। साढ़े सात बजे से स्टार्ट होगा ना मेरा, तो इतने इसको मैं रेडी कर लेता हूँ ना। टडिंग, चलो इतने ये बूटअप हो जाता है, मैं इतने कपड़े चेंज कर लेता हूँ। तो गाइज मम्मी उठ गई हैं सो के, जब मैं आया तो मम्मी सो रही थी, और मम्मी देख रही है विपिन भाई का व्लॉग जो कि वाल्मीकि जयंती के ऊपर बनाया था। और मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं इधर क्लास के लिए बैठ जाता हूँ, तो ठीक है। अब गाइज अभी मैं क्लास ले रहा था, और लेते लेते मेरी झपकी लग गई, मेरी आँख खुली, तो पता नहीं कितने मैं मतलब मैंने मिस कर दी क्लास। अब रिपीट क्लास मेरे को लेनी पड़ेगी दोबारा से। फिर मैंने कहा मम्मी मेरे को चाय दे दो, तो अब चाय लेकर आया हूँ। थोड़ी सी क्लास और बची 10 मिनट की, क्लास के बाद मिलते हैं। क्लास तो गाइस क्लास खत्म हो गई है। अभी कुत्ता मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे कह रहा है मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। सॉरी कुत्ता नहीं, डोरा, डोरा बोला मैंने। चटल देखना इसकी जरा, कुत्ता सॉरी डोरा, ये देखो उसको मैं पेडिग्री खिला रहा था, मैं 2 मिनट के लिए फोन की तरफ हाथ गया, सब फैला दिया इसने। अरे अजीब बहस है यार तुम्हारी, बस। और तुम्हारा वो कटोरा भरा रखा है वहाँ पे, वो तो तुम खा नहीं रही हो, ये हाथ से खा रही हो तुम मेरे। हैं बहुत ड्रामे भाई साहब इनके भी, पन्नी में भर दो एक छोटी वाली में। बस घूमी करने चले, अब ये हिल गया झंडा, चले घूमी करने, चलो लो आगे खाना थोड़ा सा, चलो इसको लेके चलते हैं घुमाने के लिए। तो गाइस मैं डोरा घुमाने ले आऊँ, लेकिन बम्पर आके फूट रहे, तो डोरा डर रही है। वहाँ से यहाँ तक इसको गोदी में उठा के लाया हूँ मैं, पूरी गली से बाहर तक। आओ नहीं चल रहे, आओ। अब दिवाली तक बेचारी ऐसी परेशान होती रहेगी ये। सब बम फोड़ रहे हैं, मेरी लड़की परेशान हो रही है। अब देखो उसके दोस्त को बोलाऊँ, अभी एक भी नहीं है, बम पटाखे ज़्यादा फूट रहे ना आज, इसीलिए सबके सब गायब हैं। सो रहे हैं, एक तो ये सो रहा, देखो सो रहा है, पहले मेरे पे भौंकता था बट अब नहीं भौंकता, अब तो कुनकुनाता है मेरे पास आके। क्या हुआ, देख कैसे कर रहा है, क्या हुआ, भूख लग रही है, दे रहा तुम खा लो यहाँ पे पहले। तौर पे खाना आया था आज हमारे यहाँ 2-3 घर से, तो वो खा लिया है मैंने, पेट भर गया है। पूड़ी सब्जी खीर, इसमें भी पूड़ी सब्जी खीर, सिंगाड़े और मट्ठी थी, मतलब काफ़ी कुछ हम खा चुके हैं, तो पेट पूजा तो हो गई है। हमने बनाए थे दाल चावल, तो वो हमने खा लिया है। बाकी खाना बड़ा टेस्टी होता है ऐसे टाइम पे, मतलब क्या बोलूँ, मल्टीपल चॉइसेस हो गए हमारे पास। एक में थी पूड़ी और आलू की सब्जी, एक में थी पूड़ी और मटर पनीर की सब्जी, और खीर दोनों में थी, तो मज़ा आ गया खाना खा के।
ठीक है, तो आज का ब्लॉग इतना ही था, इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। मुझे एक रिविजन क्लास लेनी है फिर से, उसके बाद देखता हूँ कौन सी बुक पढ़ूंगा। बुक्स का कलेक्शन है हमारे पास वैसे काफ़ी अच्छा, ये भी हैं, ये तो सिमरन की है कोरियन की, हाँ कुछ है इंग्लिश हिंदी की, कुछ बुक्स हैं मेरे पास, इनमें से पढ़ूंगा। ये के ड्रामा है और ये कुछ नॉवेल्स हैं और ये जनरल राइटिंग के लिए है ना। तो ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा डेली ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बताना कि मैं 30 डेज चैलेंज पूरा कर पाऊंगा या नहीं। वैसे करूंगा, मैंने लिया है ये डिसीजन कि मैं 30 डेज तक रेगुलर एक ब्लॉग डालूंगा ही डालूंगा। बट ये जो ब्लॉग है दरअसल आएगा 3 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को मैंने डाला बैचलर्स पार्टी पार्ट 1, 2 तारीख को डालूंगा बैचलर्स पार्टी पार्ट 2 और 3 तारीख को डालूंगा मेरा 30 डेज चैलेंज का पहला ब्लॉग। ठीक है, तो 2 ब्लॉग्स एडवांस में चलेंगे, मतलब 2 ब्लॉग्स आप पीछे चलोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय। Spent all my life holding all of it closely. I played it.